मुझे ना माय गॉड ये आरजे बड़े पसंद है। मुझे इनकी जॉब है ना शुरू से ही बड़ी एक्साइटिंग लगती है, जिसमें पहले से कुछ डिसाइड ही नहीं होता है क्या थीम होगी, क्या टॉपिक होगा, कैसे कॉलर्स आएंगे, कौन से सॉन्ग्स बजाए जाएंगे, क्या उनसे बातें की जाएगी। वाह, कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं होता, सब कुछ उसी समय डिसाइड किया जाता है और सब कुछ आरजेस पे डिपेंड होता है। मैं आपसे अपनी एक दिल की बात शेयर करने आई हूँ, किसी से मत कहिए। मेरा शुरू से ही ये ड्रीम रहा है कि मैं आरजे बनूँ, लेकिन अफसोस मैं नहीं बन पाई। लाइफ में एक्साइटमेंट तो बनी ही रहनी चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है। तो चलिए बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनको उठाकर हम अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकते हैं, उसमें कुछ एनर्जी ला सकते हैं, कुछ नयापन ला सकते हैं। जैसे हम घूमने जाते हैं तो उस जगह जाएंगे जहां पहले से जा चुके हैं, या फिर कोई हमारे जान पहचान का वहां जा चुका है और वहां की डिटेल्स हमें ईजिली वो अवेलेबल करा सकता है, तो हम ऐसी जगह जाते हैं। अरे क्यों भाई, ऐसा हम क्यों करते हैं? आखिर कोई तो उस जगह पहली बार गया होगा, उसको पहले से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कैसे जाना है, किसी ने तो उस जगह की खोज की होगी। तो आप क्यों नहीं वो नयापन ला सकते? आप भी नई नई जगह की तलाश कीजिए जहाँ पहले अब गए नहीं हो, जहाँ नई तरह की खोज आप कर सकें, नए एडवेंचर को पा सकें, नए रास्तों पर सफ़र कर सकते हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया है। सब कुछ पहले से पता होगा तो वह एक्साइटमेंट कहाँ रहेगी। अब कैरियर की ही बात ले ले, कैरियर चुनेंगे तो पहले से जो प्री डिसाइडेड होते हैं, जो हम हाई स्कूल में या ट्वेल्थ करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, क्या केवल डॉक्टर, इंजीनियर, CA, आर्मी, पायलट या टीचर ही बन सकते हैं? सर्च कीजिए भाई, अनेक राहें खुली हुई है, आप नए नए ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अपने कैरियर को नई ऊंचाइयां देने के लिए थोड़ा तो ट्राई बनता है, तभी तो आप कुछ नया बनेंगे और दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे। फिटनेस की बात देखिए, हम सब एक्सरसाइज करते हैं, चाहे घर में करें चाहे बाहर करें। अब तो खैर जिम ओपन हो गए हैं, सब लोग जिम जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? गिनी चुनी वही एक्सरसाइजेस करते हैं। वर्कआउट करेंगे तो वही प्री डिसाइडेड वाला, बाइसेप के लिए जो 5-6 एक्सरसाइज होती है वो करेंगे, ट्राइसेप के लिए जो 5-6 एक्सरसाइज है वो करेंगे, बैक के लिए, शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए प्री डिसाइडेड है वही एक्सरसाइज करते हैं। क्यों नहीं कुछ नया ट्राई करते? आखिर जिसने भी इन एक्सरसाइजेस की खोज की है उसने भी तो पहले कोशिश की है कि हाँ इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो इस पार्ट पे फ़ायदा पहुँचेगा, इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो हम टोन कर सकते हैं या इस मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं सर्च कर सकते? मशीन आपके हाथ में है, स्टेमिना आपके पास है, तो ट्राई कीजिए नई नई एक्सरसाइजेज, ट्राई कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों को भी बताइए। यहाँ पे एक्साइटमेंट भी बरकरार रहेगी और धीरे धीरे वर्कआउट करते हुए एक बॉडी को हैबिट हो जाती है ना, उस हैबिट से बॉडी को भी निजात मिलेगी। आखिर बॉडी भी तो थक जाती है भाई, एक ही तरह से कैसे काम करेगी, उसको भी तो कुछ नयापन चाहिए ना। तो कोशिश कीजिए एक्साइटमेंट लाने की, चाहे वो एक्सरसाइज के जरिए ही क्यों ना हो। अब फैशन ट्रेंड्स की ही बात कर ले, हम जब भी शॉपिंग पे जाते हैं गिने चुने वही कपड़े उठा लेते हैं जो हम पहले से पहनते हैं, चाहे ट्राउज़र हो, चाहे शर्ट हो, चाहे टॉप हो, चाहे मिनीज हो। सब लोग कोशिश करते हैं वही ले जो हम पहले पहन चुके हैं, हम उसमें अच्छे दिखते हैं, हम कंफर्टेबल दिखते हैं, उन्हीं में थोड़ा सा वेरिएशन करके हम वो कपड़े ले लेते हैं। लेकिन इसमें नयापन क्या है? हम शाहरुख, सलमान, आमिर इन सब के फ़ैन तो हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी स्टाइल बनाई है खुद इसकी खोज की है। हम उनके फ़ैन हैं उनकी स्टाइल के लिए, तो वो स्टाइल हम खुद क्यों नहीं बना सकते? नए नए कपड़े ट्राई करिए, नए नए ऑप्शन ट्राई करिए, आउटफिट दुनिया भर के बने हुए हैं, बस ट्राई करने की ज़रूरत है। अपने आप को आउटफिट के ज़रिए एक नया रूप दीजिए और देखिए आईने में देखकर आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह ये तो मुझ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए नए रास्तों की खोज तो आपको ही करनी होती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ और अक्सर आपको पता है कि मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने मॉडलिंग नहीं करी, एक्टिंग नहीं करी, किसी ने यूट्यूब पर आने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है। मॉडलिंग भी कर रही हूँ, एंकर भी हूँ, एक्टर भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ।
और अपनी बात करूँ मैं तो लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातें करना हमेशा से मुझे बहुत डराता रहा है। मुझे लड़कियों तक से बात करने में घबराहट होती थी, लड़कों की तो बात ही दूर है, अपने आप में रहने वाली इंसान थी। लेकिन खुद को मैंने एक्साइटिंग फील्ड पर डालने के लिए आगे बढ़ाए और अपने अंदर चेंजेज किए। आज मैं सबसे बात करती हूँ, अपने यूट्यूब के जरिए आपसे बात करती हूँ। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, करो तो कुछ नया करो, बने बनाए रास्तों पे चलने से क्या नयापन मिलेगा। नई नई खोज करो, नए नए रास्तों पे चलो। मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ नहीं तो मुझे इससे मोटिवेशन ही मिलेगा।